तो और भाई बहनों क्या हाल चाल यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी आपके फिजिक्स के क्लास 12th बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, सारे आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एम है कि हमको प्रैक्टिकल से पूरे 30 on 30 उठाने हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल्स का बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और जब मैं इनसे कुछ पढ़ गया तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता कि यार जो मुझे एक्सटर्नल वाइवा जो पूछने मेरे को आएगा, कुछ भी पूछ ले मैं बता दूंगा। एक्सटर्नल जो आपका एग्जामिनर आता है वो भी आपके उससे पूछता है, कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो। और मैं गारंटी दे लेता हूं, इन जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के दे के रखे हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू एन एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई दैट सेम। इसके मैंने जितने भी आपको अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा आपको इसमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप सारे के सारे 50, अगर आपके पास एक या दो दिन बचो प्रैक्टिकल्स के, अगर आप पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू आंसर एनी वाइवा क्वेश्चन जो भी आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको सब डिवाइड करके कर, मान लो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन हमने देके रखे हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन हमें मैंने देके रखे हैं, एमीटर के क्वेश्चन देके रखे हैं, उसके बाद वोल्टमीटर के क्वेश्चन देके रखे हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर के क्वेश्चन देके रखे हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर क्वेश्चन मैंने देके रखे हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे देके रखे। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 55 क्वेश्चन है आपको इस एक्सपेरिमेंट से। मैंने सामने आपके जितने भी 49 पेजेस का ये पीडीएफ है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो जितने भी मैंने आपको देके रखे, चाहे वो जीना डायोड वाला आपका एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, या फिर वो आपका टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक्सपेरिमेंट हो। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको एम्पल अमाउंट ऑफ वाइवा क्वेश्चन देके रखे आंसर्स के साथ। तो ट्राई करना कि जो क्वेश्चन है और उसका आंसर एकदम रट लो, ताकि जब आपसे एक्सटर्नल पूछेगा तब जाके आपको कोई भी झिझक नहीं होगा बताने में। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो मैंने हर एक चीज, हर एक एक्सपेरिमेंट का मैंने यहाँ पे देके रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे में आपको केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, सॉल्ट एनालिसिस आपको याद कैसे करना है, हर एक चीज मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ उसमें, सब्सक्राइब करना इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलना। और जेईई से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारी चीजें हमारी आने वाली है, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स हमारा चालू होने वाला है ट्यूजडे से। ठीक है, आज संडे है, मैं ट्यूजडे यानी कि 3 बजे से अपन मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं, एलजेब्रा से अपन शुरुआत करने वाले हैं। एक उसका अनाउंसमेंट वीडियो पे आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। तो गाइस गेट रेडी फॉर द मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स ऑफ 2021 मिशन जेई मेन अप्रैल। ओके, जितने भी आपके यहाँ पे चीजें हैं मैंने हर एक चीज को देखो, क्वेश्चन भी लिखा है, उसके सॉल्यूशन भी मैंने पूरे एकदम जस्टिफिकेशन के साथ मैंने आपको दे के रखे हैं। तो गाइस पूरा इसको डाउनलोड करो और पढ़ना चालू कर दो। बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम कल है, इसलिए मैं इसको एकदम लेट नाइट अपलोड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कल है, वरना मैं इसको आराम से डालता, बट कोई बात नहीं, आप सबके लिए तो एकदम टाइम पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके गाइस, तो इसको पूरा रट लोगे, आप लोग का फायदा होने वाला है, पूरा रटने से ही आप एकदम से आंसर सारे कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सब से लेने का, अलविदा।